नमस्कार, मैं हूं महावीर सिंह। दोस्तों, हमारे देश में सट्टा पूरी तरह से अवैध है, लेकिन फिर भी पूरे देश में सट्टा बाजार का माहौल इन दिनों काफ़ी गर्म है। एक तरफ आईपीएल के मैचों में करोड़ों के सट्टे लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश में हो रहे आम चुनावों पर अरबों का खेल चल रहा है। चौथे चरण का मतदान समाप्त होने के बाद राजस्थान के चर्चित फलोदी सट्टा बाजार में भी इस बार नई संसद के आंकड़ों को लेकर दाव लगाने का खेल तेज हो गया है। सियासत पर सट्टा लगाने के लिए इस खेल में सटोरिए केंद्र की सत्ता के दावेदारों से लेकर सूबे में पार्टियों की झोली में आने वाली संभावित सीटों के आंकड़ों पर जमकर दाव लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तहत पांचवें चरण का मतदान 6 मई को है। ऐसे में राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान होगा। इससे पहले फलोदी सट्टा बाजार के खिलाड़ियों ने नेताओं की सभा में जुट रही भीड़ और जातीय समीकरण के बदलते गुणा भाग के आधार पर जीत का दाव लगा लिया है। तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर फलोदी सट्टा बाजार के खिलाड़ी क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं। जगदम्बा हॉस्पिटल, यहाँ मिलती है आपको 24 घंटे आपातकालीन सेवा। स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सारिका चोपड़ा की देखरेख में साफ सुथरे जनरल वार्ड, दांतों की किसी भी तरह की बीमारी का इलाज डॉक्टर कुलदीप कुंदेसा के द्वारा, विशेष वार्ड की भी सुविधा, अत्याधुनिक उपकरणों से लैस ऑपरेशन थिएटर। जगदम्बा हॉस्पिटल पुलिस लाइन के सामने जालोर, संपर्क करें 9413584198। 29 अप्रैल को राजस्थान की 13 सीटों पर हुए चौथे चरण के मतदान के बाद फलोदी सट्टा बाजार भाजपा को मजबूत बता रहे हैं। राजस्थान की सबसे हॉट सीट जोधपुर पर फलोदी सट्टा बाजार गजेंद्र सिंह शेखावत का पलड़ा भारी बता रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की राजनीतिक लॉन्चिंग को फ्लॉप बताया जा रहा है। बाड़मेर की बात करें तो कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह का स्वाभिमान भी खतरे में है। यहां से भी भाजपा के कैलाश चौधरी को फलोदी का सट्टा बाजार जीता हुआ बता रहा है। जालोर सिरोही लोकसभा सीट को लेकर भी फलोदी सट्टा बाजार के खिलाड़ी भाजपा व कांग्रेस में कड़ी टक्कर बता रहे हैं, लेकिन पलड़ा भाजपा के प्रत्याशी देवजी पटेल का भारी बताया जा रहा है। पाली की बात करें तो भाजपा के पीपी चौधरी की जीत फलोदी सट्टा बाजार घोषित कर चुका है। यह तो हुई फलोदी सट्टा बाजार के खिलाड़ियों की भविष्यवाणी, लेकिन राजनीति के ज्ञाता और विश्लेषक फलोदी सट्टा बाजार के पूर्णतया विपरीत बता रहे हैं। राजस्थान की इन 13 सीटों पर में से करीब 8 से 9 सीटों पर वे कांग्रेस की जीत बता रहे हैं। वे तो जोधपुर से कांग्रेस के वैभव गहलोत, बाड़मेर से मानवेंद्र सिंह और जालोर सिरोही से कांग्रेस प्रत्याशी रतन देवासी की जीत तय बता रहे हैं। खैर, सट्टा बाजार के खिलाड़ी चाहे कुछ भी कहे, राजनीति के विश्लेषक भले ही अपना विश्लेषण दे, लेकिन जनता के फैसले को कोई बदल नहीं सकता और जनता ने अपने उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 29 अप्रैल को कर दिया है, जो कि 23 मई को सबके सामने आ जाएगा। अब देखना होगा कि फलोदी के सट्टा बाजार की भविष्यवाणी सच होती है या फिर राजनीतिक विश्लेषकों का अनुभव या फिर जनता जनार्दन का फैसला हमेशा की तरह एक बार फिर सर्वमान्य साबित होता है। जगदम्बा हॉस्पिटल, यहाँ मिलती है आपको 24 घंटे आपातकालीन सेवा। स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सारिका चोपड़ा की देखरेख में साफ सुथरे जनरल वार्ड, दांतों की किसी भी तरह की बीमारी का इलाज डॉक्टर कुलदीप कुंदेसा के द्वारा, विशेष वार्ड की भी सुविधा, अत्याधुनिक उपकरणों से लैस ऑपरेशन थिएटर। जगदम्बा हॉस्पिटल पुलिस लाइन के सामने जालोर, संपर्क करें 9413584198।